हेलो। तो बच्चों, अपन ने पिछली बार क्लास 9 की जो 12.1 कर रहे थे अपन, उसके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दो क्वेश्चन कर लिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो जो थर्ड क्वेश्चन है वो सिंपल सा क्वेश्चन है कि एक स्लाइड है, हिंदी में और इंग्लिश दोनों लेके चलेंगे भाई, पहले बता दिया था ताकि उन बच्चों के बेनिफिट रहे, फिर आपको भी उन वाले क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि RBSC के अंदर 11 चैप्टर है इसका। तो देखो, एक स्लाइड है जो मतलब फिसल पट्टी से बच्चे फिसलते हैं ना, वैसी एक स्लाइड है। और उस स्लाइड में जो उसमें एक दीवार है, स्लाइड में एक दीवार है, उस दीवार के ऊपर ये लिखा हुआ है, कोई कलर किया हुआ, पेंट किया हुआ है, उस पेंट किया हुआ है। जैसा मान लो कि सपोज ये कोई एक, ये एक दीवार है आपकी, ठीक है? ये दीवार है, ये ऐसा मान लो कि ये फिसल पट्टी होगी, इधर फिसलने वाली स्लाइड हो गई, और ये इस दीवार पर पेंट किया है पूरा इस दीवार को, ये इस दीवार ऐसे मान लो, ऐसी दीवार कटी हुई है ये मान लेना, ये दीवार है, इसके ऊपर पेंट किया हुआ है, और उस पेंट की दीवार पर ये लिखा हुआ है, कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लियर। हिंदी में बोले तो पार्क को हरा भरा हुआ साफ रखिए, इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, ठीक है? और जो ये दीवार ऐसी कटी हुई है, अब आपको पता है कि दीवार ट्राइंगल शेप की है, इट मीन्स इसमें आपको जो साइड तो देखा ही देगा, तो तीनों साइड आपको इसके अंदर गिवन है, तीनों साइड ये गिवन है 15, एक एक साइड सपोज 15 है, 11 है, 6 है, कोई सी भी रख लो, वैसा कुछ फर्क पड़ता नहीं है, तीनों मीटर में आपको तीनों साइड दे रखी है, और इसके ऊपर लिखा हुआ है कि कीप द पार्क ग्रीन एंड क्लियर। अब हमें पूछ रहा है इसका एरिया फाइंड करो, जो पेंट किया हुआ ना इस दीवार का, इतने से का एरिया फाइंड करो। आप हमें सीधी सी बात है कि जब तीनों साइड गिवन हो तो सीधा कौन सा फॉर्म लगाएंगे, हीरोन का, ठीक है? तीनों साइड अलग 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 है, और तीनों साइड जब दी हुई है तो अपन हीरोन का फॉर्म लगाएंगे। और हीरोन का जो फॉर्मूला लगाएंगे उसमें क्या होता है, सबसे पहले एस निकालना, एस अगर हमारे पास है तीनों साइड तो हमारे पास है ही, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एस यानी कि सेमी पेरीमीटर, जो होता है तीनों साइड का सम अपॉन टू। तीनों साइड कौन सी, कोई सी भी ले लो बारी बारी, 15, पहले सपोज इसको ए, ये मान लिया 15, दूसरी 11, 11 और थर्ड 6 अपॉन टू, तो क्या आया, ये हो गया 7 और 5 12, 1 के 32 अपॉन टू, यानी कि जो एस आया वो आपका 16 आ गया। तो एस की वैल्यू 16 आ चुकी है आपके। अब सीधा सा क्या फॉर्मूला लगा दो, हीरोन्स का फॉर्मूला लगा दो और डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हीरोन्स का फॉर्मूला बार बार लिखने की जरूरत थोड़ी है, एस एस माइनस है, एस माइनस भी एस माइनस है, ठीक है? तो डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, एस एस कितना है 16, एस माइनस ए, आप कहो तो मैं लिख दूं, कोई कंफ्यूज ना हो, कोई बच्चा ऐसे सोचे कि ये क्या हो गया, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, इसमें रख रहे हैं अपने हीरोन्स का फॉर्मूला में, एस 16 ब्रैकेट एस माइनस ए, एस 16 और ए क्या लिया था अपन ने 15, ये लो 15, एस 16, बी क्या लिया था हमने 11, ये लो 11, एस एस 16 और सी 6। देखो 16 का 16, 16 में से 15 गया तो 1, 16 में से 11 गया तो 5, ठीक है, और 16 में 6 गया तो 10। अब आपको मेन चीज है कि जो फैक्टर करने हैं ना, इसके टुकड़े जो करने हैं उन पे थोड़ा फोकस करना है, कि हमारे पास पहले आपको नोटिस करना है कि हमारे पास है क्या, हमारे पास 5 है, इसके तो टुकड़े होंगे नहीं, अब 5 तो लास्ट टुकड़े हैं, तो आप 10 को, और 10 को जो फैक्टर बनाओगे आप, आपको पता है 10 के दो फैक्टर बनाएंगे 2 और 5, 10 में तोड़ रहा हूँ 2 और 5, एक ये मेरा 5 वही 5 है। अब इस 1 का कोई मतलब है नहीं, 16 टू 1 16 होता है। अब ये मेरा जो 16 है, अब देखो 16 को बच्चे यहाँ पर 2 है, तो आप 16 को 2 की फॉर्म में तोड़ लो, 2 2 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8 और 8 2 ज़ा 16, यानी कि जो 2 है वो 16 का 4 बार होता है। नहीं आता तो प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल सकते हो आप ऐसे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इससे निकाल सकते हो ऐसे। तो 16 के 4 टुकड़े हुए, 1 2 3 4, दो दो कितनी बार आया, 4 टाइम्स, यानी कि 2 आएगा 4 टाइम्स। अब अपने 2 में ही क्यों तोड़ा, देखो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है, हो सकता है अपने इसको 8 × 2 में तोड़े, डिपेंड करेगा क्वेश्चन में किस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है। अब देखो ये दो 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 का जोड़ा बन गया, पैर बन गया, बाहर निकाल लो, ये पैर बन गया बाहर निकाल लो, और 5 5 का एक और जोड़ा बन गया बाहर निकाल लो, ये 2 अकेला बच गया, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा क्योंकि इसका कोई पार्टनर नहीं है, जोड़ा नहीं है, ठीक है? 2 2 ज़ा 4 और 4 5 ज़ा 20, रूट 2, और ये सेंटीमीटर में था ना, सॉरी मीटर में था, तो मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर होता है, ये आपका आंसर आ गया, सिंपल सा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा आसान है। और रही बात इन फैक्टर की, तो फैक्टर्स को आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से, मतलब जैसे एलसीएम करते हैं ना उस वाले पैटर्न से कर लेना, इनकी बात कर रहा हूँ टुकड़े, ठीक है,
वो हिसाब से कर लेना, बड़ा आसान से हो जाएंगे आपके। और उनमें से भी थोड़ा देख लिया करो कि 5 को रखना है या फिर ऐसा है ना, उस अकॉर्डिंग हो जाएंगे। छोट और ज़्यादा बेटर होगा जितने छोटे फैक्टर बनाओगे आप। टू टू सबसे छोटा होता है 2, 8 × 2 मत करना, जितने छोटे बनाओगे और फिर दो दो के पैर बना के बाहर निकाल दो। जिसका नहीं बन रहा वो रूट के अंदर रह जाता है, ये ध्यान रखना, बस इतना सा ध्यान रखना, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बताओ, पढ़ो देखे उसको, देख लेते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4, वो यू कह रहा है कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एक ट्रायंगल है, उसका एरिया फाइंड करना है आपको। एक ट्रायंगल का आपको एरिया फाइंड करना है, हिंदी में बोले तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक त्रिभुज है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी दो साइड दे रखी है, ध्यान रखना दो साइड दे रखी है अपन को, कितनी कितनी दे रखी है, 18 और 10, दो साइड दे रखी है, 18 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। इसके अलावा एक चीज़ और दे रखी है, इसका पेरीमीटर, ठीक है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल वो दे रखा है हमें 42 सेंटीमीटर। हिंदी में बोल देता हूँ पूरा एक बार, एक त्रिभुज है कोई सा मानो, ABC मानो, PQR मानो, उसका आपको एरिया फाइंड करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। शर्त यह है कि उसका पेरीमीटर यानी कि बोले तो परिमाप, ये मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, वो 42 सेंटीमीटर गिवन है आपको, ठीक है, और दो साइड दी हुई है। देखो हम इसका एरिया निकालने जाएंगे तो सीधी सी बात है, हम इसमें अगर हीरोन वाले फॉर्मूले से करेंगे तो अपन को मिनिमम 3 साइड चाहिए। आप ही सोच रहे हो हीरोन क्यों लगाएंगे, हीरोन इसलिए लगा रहे हैं कि आपको ये थोड़ी कहा है कि हाइट और बेस है, या फिर कौन सा जो शुरुआत में पढ़ा था इक्विलेटरल एंगल पे नहीं है, 1/2 बेस नहीं लगा सकते। तो फिर एक हिंट दी, जो ये अपने पास दो साइड हैं और जो ये हिंट दी इसकी हेल्प से अपन तीसरी साइड निकालेंगे, क्योंकि सब हीरोन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है तीनों साइड का होना। तीसरी साइड निकालो, हम जानते हैं पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि तीनों साइड का सम, सम ऑफ ऑल 3 साइड्स कुछ ही बोल दो चाहिए, 3 साइड्स, ये पैरामीटर का फॉर्मूला होता है। हाँ, इज इक्वल टू पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल, यानी कि हिंदी में बोले तो तीनों भुजाओं का योग, तीनों भुजाओं का योग बराबर त्रिभुज का परिमाप होता है, ये फॉर्मूला होता है हिंदी में भी, ध्यान रखना। अब बच्चे सुनो, सम ऑफ ऑल साइड, तीनों साइड क्या, दो तो ये दे रखी, 18 दे रखी है एक और एक 10 दे रखी है, ठीक है, तीसरी हमारे पास है नहीं, ठीक है, तीसरी हमारे पास है नहीं, तो उसको आप एक्स मान लो, चलो वो थर्ड साइड सपोज एक्स है, इधर पेरीमीटर ऑफ परिमाप दे रखा है 42 रख लो, ठीक है, इन दोनों को जब ऐड किया तो ये 28 + x = 42, तो एक्स 42 में 28 क्या हो जाएंगे, माइनस, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 4, 24 ना, सॉरी 12 में से जो यहाँ ऐड, तो यहाँ बचा 1, इनकी 14, तो जो तीसरी साइड आपकी आई, देखो ये हमारे पास फर्स्ट साइड थी, ये सेकंड साइड आई, और जो हमने थर्ड निकाली वो आ गई 14 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे पास ट्रायंगल की तीनों साइड आ चुकी है। अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्यों, हीरोन लगा देंगे, हीरोन्स के लिए एक ही शर्त होती है, तीनों साइड होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम निकालते हैं एस, जिसका फॉर्मूला होता है तीनों साइड का सम अपॉन टू, तीनों साइड कौन कौन सी है, पहली 18 है, दूसरी 10 है, तीसरी 14 है, अपॉन 2, दिख रहा है ना बच्चे, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 12, देखो 12 1 कहने लगी तो 1 1 यानी कि 42/2 कितना आ गया, 21 सेंटीमीटर आपका इसका एस आ गया, एस की वैल्यू क्या आ गई, 21। लगा दो हीरोन का फॉर्मूला, एस एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, सिंपल है, तीनों साइड नहीं थी, पैरामीटर की हेल्प से तीसरी साइड निकाली, दो थी, तीनों रख ली, तीनों से एस निकाल लिया, और अब हीरोन्स वाली वैल्यू में पुट कर देंगे, एस एस कौन है, 21 ये रहा, ब्रैकेट एस माइनस ए, ये कौन है, 18, एस माइनस बी, बी कौन है, 10, एस माइनस सी, सी कौन है, 14, ये देखो ए बी सी, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। चलो अब देखो 21 का 21, ये सब इंटू में होते हैं आपको पता ही है, ये मल्टीप्लाई इंटू, 21 में से जब 18 गया तो क्या बचा, 3, 21 में से 10 गया तो क्या बचा, 11, और 21 में से 14 गया तो क्या बचा, 7, ये बच गया। अब वही वाली बात है, फैक्टर वैसे ही होने चाहिए जैसे इसकी डिमांड है, अपने पास 7 है और 3 है,
और 21 भी अपन को 3 और 7 दे देगा। देखो 21 हमें 7 और 3 दे देगा, ये 3 का अपनी जगह है, ये अपनी जगह है, 11 अपनी जगह है, क्योंकि इनके फैक्टर होंगे ही नहीं, और 7 का 7। तो एक बात बताओ, इसका जोड़ा बन गया, पार्टनर बन गया इसका, तो एक 3 बार आ गया, इन दोनों का भी इसका पार्टनर ये रहा, बाहर आ गया, 11 का कोई पार्टनर नहीं है तो रहने दो अंदर, ठीक है। 7 3 या 3 7 21 और रूट 11 सेंटीमीटर था, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बड़ा आसान से क्वेश्चन है, एरिया हो गया, सिंपल है। तो यानी कि बड़े आसान आसान से क्वेश्चन है, किसी में पैरामीटर देखिए आपसे 30 30 साइड निकलवा लेगा, अपन निकाल लेंगे, ठीक है। बाकी इसमें क्या था कि पैरामीटर था, 30 30 साइड नहीं थी, 2 साइड दे रखी थी, तीसरी को हमने एक्स मान ली, आपकी इच्छा आप कुछ मानो, 30 30 साइड एक्स मान ली, इन दोनों का सम 28, उधर माइनस करके 30 30 साइड निकाल ली, तीनों साइड आने के बाद हीरोइन का फॉर्म लग जाता है, आपको पता ही है। तो सबसे पहले एस फाइंड किया, तीनों का सम अपॉन 2 21 आ गया, फिर उन्होंने फॉर्मूले में रख दिया, आंसर आ गया 21√11 सेंटीमीटर स्क्वायर। बड़ा आसान है। तो आज अपन 2 क्वेश्चन कर लिए, फिर नेक्स्ट क्लास में और करते रहेंगे, आप जब तक पढ़ते रहो, ठीक है। कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में जाके हमें बताना, ठीक है। तब तक बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।